दोस्तों, गेंदा विंटर का एक ऐसा फ्लावर है जिसे हर कोई ग्रो करता है, लगाता है अपने गार्डन में, ज़रूर ऐड करता है। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग नर्सरी से जाते हैं और बड़ा सा प्लांट गेंदे का जिसमें फूल लगा हुआ होता है ले आते हैं, और उसमें फिर एक या दो फूल रहते हैं और पूरे टाइम वही एक दो फूल रहता है और एक दो फूल और आ जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है उसमें। तो हम एक गलती करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में गेंदा लगा हो और ढेर सारी फ्लावरिंग हो और लंबे टाइम तक फ्लावरिंग हो, तो आप हमेशा नर्सरी से जो सीडलिंग होती है, छोटे प्लांट जो होते हैं 5-10 रुपए के मिलते हैं नर्सरी में, आप उनको लाएं और उनको ग्रो करें। और दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात की, जो हमें करना है और नहीं करना है। सबसे पहली बात तो जब आप लगाएं गेंदा तो कम से कम 20 दिन तक उसे कोई भी हैवी फर्टिलाइजर ना दें। अगर आप देना है तो आप नॉर्मल यूरिया दें थोड़ी मात्रा में, ताकि आपका प्लांट तेज़ी से बढ़े। और उसके बाद जैसे ही उस पर पहली कली आए, उसको आपको हटा देना है प्लांट से। और जैसे आप प्लांट से हटाएंगे, आपका जो प्लांट है ऊपर की तरफ नहीं भागेगा और रुक जाएगा, और जो बगल से जितनी भी शाखाएं निकल रही हैं, 5-6 शाखाएं, 8 शाखाएं, वो सारी की सारी शाखाएं बगल से बड़ी होने स्टार्ट कर देंगी। और उसके बाद आपके पास जहाँ एक दो फूल आना चाहिए, वहाँ पर आपके पास अगर आप मान के चले आपकी 5 शाखा निकल रही है और हर शाखा में 4 फूल आ रहा है, तो 4×20 25 फूल आराम से आपको एक टाइम पर आ जाएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैं इनको कैसे हटा रहा हूँ। ये देखिए निकला हुआ है और इनको मैं हटा दे रहा हूँ। और इसके साथ साथ इसके अगल बगल में हो सकता है एक दो और निकल रही हूँ, उनको भी आपको हटा देना है। मतलब आपको अभी फ्लावर नहीं लेना है, आपको पेड़ अभी बड़ा करना है। जो ब्रांचेज हैं, जो साइड ब्रांचेज हैं, उनको आपको बड़ा करना है। तो आप जैसे इनको हटाएंगे, वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट करेंगी, और फिर इनको आप फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट कर दें। और फर्टिलाइज़र में आप जो मस्टर्ड केक होता है उसका लिक्विड डाल सकते हैं, और उसमें डीएपी डाल के, और बहुत ही अच्छा काम करता है वो। इसके साथ साथ अगर आपके पास उपलब्ध है तो एनपीके 19:19 डाल सकते हैं स्टार्टिंग में, और इससे आपका पेड़ बहुत तेज़ी के साथ बड़ा होगा। और दोस्तों, ये आप प्लांट जो देख रहे हैं नीचे लगे हुए हैं मेरे, और ये जो है इनसे मैंने 2 प्लांट किया था, आप देख रहे हैं कटा हुआ है, और इन्हीं से मैं काट के 1 प्लांट और तैयार किया हूँ। और देखिए आप, मैंने कट किया था जहाँ से, एकदम बहुत नीचे से मैंने कट किया है, और बगल से ब्रांचेज निकली हैं और फूल के साइज़ भी काफ़ी बड़े बड़े हैं और काफ़ी फूल भी आ रहे हैं, और मैं इनको बीच बीच में कट भी करता रहता हूँ। आप ये देखें, ये सब सारे प्लांट थे। अगर मैं 10 प्लांट नर्सरी से लेकर आता हूँ तो मैं 10 का 20 करता हूँ, मैं प्लांट लगाता हूँ और जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं मैं उनको कट कर देता हूँ। कट करने के बाद मैं उन्हें दोबारा बालू में लगा देता हूँ, उससे मेरे 5 प्लांट और तैयार हो जाते हैं। इन सब के साथ मैंने यही किया है, और आप देख रहे हैं कि जो मेरा जो प्लांट में लेकर आया था उसमें भी फ्लावरिंग अच्छी मिल रही है, और उसके साथ साथ मैंने इनसे जो प्लांट तैयार किया है उनमें भी फ्लावरिंग मुझे आगे चल के बहुत मिलेगी। दोस्तों, आप देख रहे होंगे, और ये मेरी गुलदाउदी भी लगी हुई है, गुलदाउदी और प्लस मेरी गोल्ड, ये दोनों मैंने 1x1 साइड बाई साइड लगा रखा है अपने बालकनी में, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, और आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गेंदे में फ्लावरिंग ज़्यादा हो, लंबे टाइम तक हो और अच्छे फ्लावर हो, तो आपको ये ज़रूर फॉलो करना है। आप हमेशा जब भी नर्सरी से लाएँ तो छोटी सीडलिंग लेकर आएँ, और उन्हें आप कट करके 2 प्लांट भी बना सकते हैं 20 से कट करके, और नहीं तो अगर आपको कट नहीं करना है, आपको अदर प्लांट की आवश्यकता नहीं है, तो आप जो मेन कली है, जो पहली कली निकल रही है आपके प्लांट से, और उसको आपको तोड़ देना है हाथ या कैंची या ब्लेड, किसी तरीके से भी आप उसको तोड़ दें, और जैसे आप तोड़ेंगे और उनके साइड ब्रांचेज स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।